बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आए हैं सनवेज का इन्वर्टर को ग्रिड टाई करने के लिए। इसकी जो एक्सपोर्ट लिमिट थी वो ऑन थी ताकि वापदा को ना जाए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी मीटर है वो नहीं लगा हुआ था तो वो अब लग चुका है। इसलिए आज हम इसकी जो एक्सपोर्ट लिमिट है उसको ऑफ करेंगे ताकि जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा पावर है वो वापदा के पास जा सके और इनको यूनिट जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इनकी बचत हो। तो पहले तो मैं आपको सिस्टम का बिहेवियर दिखाता हूँ कैसा है, वो आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको ग्रिड टाई कैसे करते हैं। ये देखें, इसका क्लिक करीब से दिखाएँ ज़रा। ये देखें, जब हम ग्रिड टाई इसकी एक्सपोर्ट लिमिट को ऑन रखते हैं तो ये 244 वाट आते हैं, और उसके अलावा PV1 इसके 233 वोल्ट आ रहे हैं इस वक्त, और PV2 नहीं क्योंकि एक ही स्ट्रिंग लगाई है। ग्रिड वोल्टेज 239 आ रहे हैं, ग्रिड करंट 1.1 एम्पेयर आ रहा है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी और ये आज के जो यूनिट्स हैं वो बता रहा है। तो अभी तक जो टोटल बने, क्योंकि हमें इसको लगाए हुए तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो ई टोटल जो है इसका वो 80 यूनिट्स है। तो अभी हम अगर हम इसकी अब सेटिंग में जाएंगे, जनरल सेटिंग, इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमने इसको आगे करते जाना है। फिर उसके बाद ये एक्सपोर्ट लिमिट ऑन है, फिर हमने इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर हम एक दफ़ा शॉर्ट प्रेस करेंगे तो ये ऑफ आ जाएगा। ऑफ करने के बाद हमने छोड़ देना है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा। ये आप देख रहे हैं कि सेटिंग पे ऑप्शन आ चुका है, ये ओके। अब ये इसकी एक्सपोर्ट लिमिट जो है वो ऑफ हो चुकी है, एक्सपोर्ट लिमिट ऑफ हो गई। अब ये फीड इन ग्रिड को हमने 100% करना है, तो 100% करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये जो ब्लिंक हो रहा है नंबर बार बार, हम इसको शॉर्ट प्रेस से चेंज करेंगे। ये वाला 100% फीड इन ग्रिड हो गया। अब हम इसको छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग को ऑपरेट कर लेगा। फीड इन ग्रिड 100%। ये सेटिंग ओके हो गई इसकी भी, फीड इन ग्रिड 100% हो गया। तो ये सीटी जो रेशियो आ रही है 2001, हमने इसकी जो सीटी के कनेक्शन है वो अब हमने इसके उतार देंगे क्योंकि अब हमें सीटी की जरूरत कोई नहीं है। अब देखिए नॉर्मल वोल्टेज 1.1 किलो वॉट, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो इसका लोड है वो भी बढ़ रहा है सनवेज का 1.1, क्योंकि अभी जो इस टाइम टाइम हो रहा है वो 8:30 का हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बुलाएंगे क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 किलो वाट, हमने यानी कि 5 किलो वाट सनवेज का ऑन ग्रिड का इन्वर्टर है, लेकिन इसके साथ जो हमने पैनल है वो 3 किलो वाट के लगाए हैं। तो अभी तो सन होना शुरू हुआ है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी ज़्यादा होती जाएगी तो इसका जो पावर है वो भी बढ़ती जाएगी। अभी इसकी सारी मैं आपको दोबारा से सेटिंग दिखाता हूँ। 199 वोल्ट आ रहे हैं इसके, और ग्रिड वोल्टेज 241 है, ग्रिड करंट 5.1 एम्पीयर, फ्रीक्वेंसी ई डे और ई टोटल, ये सारा इसका फाइनलाइज हो चुका है जनरल सेटिंग में, ठीक है जी। और अब हम इसकी सीटी उतारते हैं क्योंकि सीटी हमने उतारनी है इसकी। सीटी उतारो यार इसकी। ये इसके नीचे एक पॉइंट्स होते हैं, ये एक पॉइंट, ये नंबर है, ये सीटी के जितने भी कनेक्शन हैं ये हमने उतार देने हैं लाजमी। एक तो यहाँ से पॉइंट और दूसरा हमने ये डीबी बॉक्स के अंदर इसके पॉइंट लगे हुए, वो मेन बिल्कुल मेन फेस के ऊपर लगाई जाती है। और ये हाउस टू ग्रिड इसका एरो हेड हमने लगा के वही जो लगी हुई होगी उसको उतार देनी है।